नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं आपके लोगों के लिए लेकर आया हूँ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को समझने का एक बहुत ही इजीएस्ट मेथड। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये सुनते ही सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो है कि व्हाट इज़ लेमा, आखिर लेमा है क्या। तो इसका आंसर है, ए लेमा इज़ ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट्स। यानी कि लेमा एक ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट है जो कि बाकी अदर स्टेटमेंट्स या कंडीशंस को प्रूव करने में काम आती है। फॉर एग्जांपल, ऑल ऑफ अस नो दैट सन हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन से राइज करता है। ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, तो हम इसे एक लेमा सपोज कर सकते हैं और हम इसके बेसिस पे ये प्रूव कर सकते हैं कि नॉर्थ के अपोजिट वाली डायरेक्शन साउथ ही होगी। अब हम बात करते हैं यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा की, यानी कि यूक्लिड के द्वारा दी गई डिवीज़न लेमा क्या कहती है। इट स्टेट्स दैट फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स सपोज ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर्स क्यू एंड आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर शुड सेटिस्फाई दिस कंडीशन। तो ये हमसे ये कह रही है, अगर हम हिंदी में समझें तो, कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स सपोज ए एंड बी के लिए हमेशा दो यूनिक होल नंबर्स से क्यू एंड आर एग्जिस्ट करते हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे ए जो है वो है डिविडेंड, बी जो है वो है डिवाइज़र, क्यू को हम कहते हैं क्वेशेंट और आर फॉर रिमाइंडर। तो यहाँ से हमें एक फार्मूला मिल जाता है, दैट इज़ डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वेशेंट प्लस रिमाइंडर। अल्टीमेटली यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा हमें यही फार्मूला देना चाहती है। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी डिवाइड 21 बाय 2 देन वी विल गेट 10 एज ए क्वेशेंट एंड 1 एज ए रिमाइंडर। These all numbers will satisfy the above equation such that 21 is equal to 2 into 10 plus 1. I hope कि आपको ये लेमा समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय।